नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे स्टूडेंट जावेद जी क्वेश्चन में। आज के इस वीडियो में देखा क्षेत्रफल एवं परिमाप से संबंधित सवाल, तो हम इस वीडियो में बेसिक से समझाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आप क्षेत्रफल एवं परिमाप से संबंधित सवाल लगाना बिल्कुल सीख जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं क्षेत्रफल से पहले, जो कि आपको बेसिक सिखाएंगे। एक बंद समतल आकृति के पृष्ठ द्वारा घेरे गए माप को क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल को सदियों वर्ग इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो परिमाप यानी परिमीटर किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योगफल उसका परिमाप कहलाता है। तो आगे आगे हम आपको एग्जाम्पल के साथ, आपको उदाहरण सवाल के साथ भी समझाएंगे कि किस तरह से आपको सवाल लगाए जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत की लंबाई व और चौड़ाई की प्रस्फल गुणा करके आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पर आयत, अगर यहाँ पर एक आयत है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की लंबाई चौड़ाई, ये क्या है, ये विकर्ण होता है, जो कि विकर्ण को हमने डी रखा, लंबाई ये रखा और चौड़ाई बी रखा। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई, और लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो ये आज से संबंधित सूत्र हैं जो सवाल लगने के आगे आपको काम करेगा। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल एक की तरफ। एक मैदान की लंबाई 500 मीटर तथा चौड़ाई 350 मीटर है, तो उस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल बराबर, हमने भी आपको बता दिया सूत्र क्या, क्षेत्रफल बताया था लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? 500 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 350 मीटर। तो 500 गुणे 350, आपको इसको गुणे करने पर आपको इतना आ जाएगा वर्ग मीटर, यही आपको आंसर हो जाएगा। अगर वर्ग आयत का क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको लंबाई गुणे चौड़ाई का फार्मूला अपनाना है। आयत का परिमाप क्या होता है देख लीजिए। आयत की सभी भुजाओं का योगफल ज्ञात करके उसका परिमाप ज्ञात किया जाता है। आयत का परिमाप बराबर होता है टू ब्रेकर लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2ab। एग्जाम्पल टू, एक आयत की लंबाई 24 मीटर तथा चौड़ाई 18 मीटर है, तो उस आयत का परिमाप कितना होगा? तो परिमाप बराबर है टू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई 24 मीटर है और चौड़ाई 18 मीटर है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 24 और 18 का जोड़ देंगे तो 24 18 42 हो जाएगा। वो फार्मूला आपका ये कह रहा है कि 2 ब्रैकेट 42, अब इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे 2 × 42, तो 42 × 84 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। अब आता है आयत का विकर्ण। आयत के आमने सामने के कोने को मिला देने पर बना रेखाखंड आयत का विकर्ण कहलाता है। अब मान लीजिए ये आयत है, अब आयत का विकर्ण इस कोने को लेकर जाकर आपको इस कोने से मिलाएंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण को डी से प्रदर्शित करेंगे। तो आयत का विकर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो इसके लिए एग्जाम्पल ये है, एक मैदान की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, तो उस मैदान का विकर्ण क्या होगा? तो विकर्ण का सूत्र होता था अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो लंबाई कितना है 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, तो 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। अब इसको अंडर रूट 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600, 30 का कितना होगा 900 होगा, तो 1600 प्लस 900 को जोड़ेंगे तो 2500 हो जाएगा। अब इसको अंडर रूट से 25 को बाहर करेंगे तो आ जाएगा 50 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखें तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब आता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की दी गई भुजा की माप का वर्ग करने पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तो ये वर्ग की भुजा है, तो ये यही हो जाएगा कि भुजा, यानी कि ये कमान जो रखा है वो भुजा है। तो ये प्रत्येक की भुजा की लंबाई है, तो वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग की भुजा होगा अंडर रूट क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछेगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या है तो ये फार्मूला अपनाएंगे। अगर पूछेगा वर्ग की भुजा तो अंडर रूट क्षेत्रफल का ये फार्मूला अपनाएंगे। इसका एक उदाहरण देख लीजिए,
एक वर्गाकार कागज जिसकी एक भुजा 50 मीटर है, तो वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर हमें वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ पर दिया गया है 50 मीटर, भुजा 50 मीटर है, तो 50 गुणे 50, और 50 गुणे 50 को कहेंगे तो 2500 वर्ग मीटर आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में केवल वर्ग का क्षेत्रफल तक ही मैंने आप लोगों को बेसिक समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी तरह से इसका जो